Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है बासित शाह और मेरे साथ मौजूद है हुसैन इमाम. आपको आफ्टर स्टॉक में खुशाबी कहता हूँ. तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया ने, इंग्लैंड ने और इम्पोर्टेंटली काफी कुछ टीम्स ने जो अपने नए स्क्वाड्स हैं जो वर्ल्ड कप के लिए लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें बाकी स्क्वाड्स को हम फिलहाल नहीं देंगे. फिलहाल जो इम्पोर्टेंट देंगे वो हम इंडिया और इंग्लैंड के स्क्वाड को देंगे. और उसके अलावा कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं काफी यूट्यूबर्स में के बीच में भी और टीवी के ऊपर भी, कि अब पाकिस्तान में भी कुछ चेंजेस आगे मुतवक्के हैं टीम के अंदर. तो होपफुली देखते हैं कि उसका भी रिव्यू लेंगे इजाजत से. तो जी शेख, आपके सबसे पहले आता हूँ कि सबसे पहले तो इंडिया का स्क्वाड बता दें. इंडिया के स्क्वाड से पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं. र्यूमर जो यूट्यूब पे चल रही है कि इसमें चेंज आ सकते हैं, तब्दीली, हर यूट्यूबर या चैनल जो है बात कर रहा है. पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 10 अक्टूबर तक टाइम है कि वो अपने स्क्वाड में कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकता है. अच्छा, अगेन मैं कह रहा हूँ 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान टीम अपना स्क्वाड चेंज कर सकती है, या इवन कोई दूसरा बोर्ड भी जो है, जो आईसीसी की डेड लाइन है 10 अक्टूबर तक आपने फाइनलाइज करना ही करना है. उसके बाद स्क्वाड में चेंज नहीं होगा अंटिल अनलेस कोई इंजर्ड होता है प्लेयर, तो उसके में जो रिजर्व टीम प्लेयर आते हैं उसमें उनमें से कोई जो है ना मूव करेगा. तो ये क्लियर हो गया कि 10 अक्टूबर तक. तो बाकी रह गए जो रूमर्स आ रही हैं कि कुछ रूमर्स तो ये भी हैं कि शायद जो टीम का जो स्क्वाड लॉन्च हुआ T20 का, उसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो सीरीज होगी वो डिपेंड करेगी कि उसमें से कौन से प्लेयर जो है न्यूजीलैंड के जो T20 होंगे उसमें, उसके बाद एनालिसिस कर लिया जाएगा कि अगर यही स्क्वाड चलेगा कि नहीं चलेगा या चेंज होगा. तो इन्हें वैसे चेंज कर लेना चाहिए, इन्हें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये शेब अख्तर ने भी कहा है कि सिलेक्टर हमारे पपेट हैं जस्ट लाइक पपेट, और टीम भी इन्होंने जिबू ग्रीन भी सिलेक्ट किया है वो जिसका तुक भी नहीं बनता. तो दूसरी बात है कि इंडिया ने बताया कि एक टीम को किस तरह सिलेक्ट किया जाता है. सही, देखिए इंडिया ने बड़ा ही क्लेवरली डिसीजन लिए, और जो डिसीजन लिए है वो आपके सामने, IPL बैंड था उन्होंने मूव किया दुबई में, UAE में, जो उनकी टीम को प्रैक्टिस भी मिलेगी जो उनके की प्लेयर्स हैं, तो वो इंडिया की टीम वाइड होगी जहाँ पे वो अपने टीम के प्लेयर्स को विकेट के साथ आशना करेंगे, वो अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्मेंस देंगे. वो डैट्स में इंडिया का जो स्क्वाड है इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड अभी तक जिस जिस टीम ने लॉन्च किया है, एंड देन इंग्लैंड ने भी बहुत ही अच्छा स्क्वाड लॉन्च किया है. तो इंडिया का स्क्वाड देख लेते हैं, विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, अश्विन की वापसी हुई है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, परमेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी. एक्सीलेंट रिजल्ट. देखें मेरा ख्याल है कि इसमें से अगर कोई भी बंदा टीम सेट करेगा तो बेस्ट 11 आप खिला सकते हैं. चार वो पांच ऑप्शनर लेके आए हैं, चहल को उन्होंने लेफ्ट आउट किया जो कि उनके लीडिंग लेग ब्रेकर थे और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे, उसकी जगह उन्होंने अश्विन को जो है ना चांस दिया है. और दूसरी बड़ी न्यूज ये है कि उन्होंने MS धोनी की खिदमत भी ली है एज ए मेंटर, वो टीम के साथ मूव करेंगे. और जारी बात है जो अपने लेजेंड्स को मूव लेके चलते हैं तो वो फिर उनसे बेनिफिट भी लेते हैं. पाकिस्तान का आपको पता ही है कोई सिर पैर नहीं होता, जो 6 महीने से या 2 साल से क्रिकेट नहीं खेला था उसको ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ले आते हैं. टीम इंडिया की टीम आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम जो उन्होंने स्क्वाड लॉन्च किया है, और बड़ा ही बैलेंस्ड और बड़ा ही अच्छा किया है. और IPL को जो उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले वहां पे मूव किया तो वो भी उनके लिए साइन सिम्टम अच्छे हैं कि वो पिच के साथ और विकेट के साथ जो है अपने बॉलर्स को, जो उनके 15 स्क्वाड है उसको ही स्पेशलिस्ट जो है ना हर मैच में चांस मिलेगा, और उनके प्लेयर्स जो है विकेट के साथ अच्छा बिहेव करेंगे. तो ये कुल मिला के बात है. तो इंडिया का स्क्वाड बड़ा ही बेहतरीन है. मैं ये समझता हूँ कि इसको हमारा मैच पहला 24 अक्टूबर को संडे वाले दिन फर्स्ट जो है इंडिया के साथ ही है. तो इस स्क्वाड के साथ पाकिस्तान ने जो स्क्वाड लॉन्च किया है वो तो मेरा ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इंडिया को किसी भी तरह से वो कह लेंगे, हम तो पीनट है इंडिया के लिए जिस तरह का स्क्वाड है, क्योंकि ना तो इसमें इतना कैलिबर है आसफ अली में ना कुछ दिल शाह में, इन प्लेयर्स में कोई कैलिबर नहीं है, हारिस औफ जो है इन बॉलर में कोई कैलिबर नहीं है कि वो इनको परफॉर्म करे. आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर चाहिए थे, आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी पड़नी थी, आपको प्लेयर्स लेके बॉलर्स 5 परफेक्ट लेके जाते ताकि आप उनको टफ टाइम देते. तो जिस तरह के बॉलर हम लेके जा रहे हैं, जिस तरह की टीम सिलेक्शन की है, बैटिंग की है, तो मेरे ख्याल है फारिग है. तो होपफुली मुझे चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि इसको रिव्यू कर लेना चाहिए. बाकी रमीज आर्या साहब का भी कसूर है कि अभी उनकी सिलेक्शन भी नहीं हुई, वो भी जो है मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, तो ये भी
आप अपनी जब सिलेक्शन होगी डेफिनेटली आपने ही बनना है, तो उसके बाद आप अपनी इनपुट्स दें। तो मेरा ख्याल है कि जो रमीज राज और बाबर आजम की मीटिंग हुई थी कि आप बाबर आजम आप अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करें, तो बाबर आजम की कोई इशू नहीं है, उन्होंने अपना एक्सप्रेस भी किया है, अपने व्यूज भी मीडिया में चल रहे भी रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो आज की जो कल की जो न्यूज कॉन्फ्रेंस थी एमडी की हमारे वसीम खान साहब की, उन्होंने कहा जी बाबर आजम इज हैप्पी, कोई इशू नहीं है ये टीम के साथ। तो मेरा ख्याल है कि हैप्पी है, पीसीबी ने रिलीज प्रेस रिलीज दे दी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम खुश है। तो उनको चाहिए कि उनकी मर्जी की टीम दें, और आपके पास अभी भी पोल बहुत अच्छा है, अगर आप अभी भी ये पोल वर्ल्ड कप की टीम बनाए तो अभी भी आपके पास पोल अच्छा है, आपके पास टाइम है, ताकि 10 अक्टूबर से पहले टाइम है, आप उसको बेनिफिट लें और एक अच्छा स्ट्रांग सेटअप बनाए। अदरवाइज ये जिस टीम के साथ ये जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम पहले भी ये देखें आसिफ अली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 खेला तो कैसी परफॉर्मेंस थी, उनसे शॉट ही नहीं लग रही थी, हिट ही नहीं हो रही थी, जो जिम्बाब्वे में नहीं आपको परफॉर्म करके दे रहा, तो आपने वर्ल्ड T20 में कुछ दिल शार्ट किया और इंग्लैंड की टीम के साथ, तो वो आप कुछ दिल शार्ट हिट नहीं लग रही, तो आप किस तरह फिर आप परफॉर्म करेंगे। आपको तो स्पेशलिस्ट 11 प्लेयर चाहिए जिसमें से 4 आपके पास बॉलर हो, 1 ऑल राउंडर हो और 5-6 जो है स्पेशलिस्ट प्लेयर हो। इंडिया की आप देख लेंगे परफॉर्मेंस की बात, इंडिया ने वन ऑफ द बेस्ट टीम हैज लॉन्च अगेन एंड अगेन, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का सबसे अभी तक जितनी भी टीम ने स्क्वाड लॉन्च की है, तो इंडिया का जो स्क्वाड है वो बेहतरीन है। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड की, तो स्क्वाड इन मोगिन कप्तान है मोइन अली, जॉनी ब्रेस्टो, सैम बिलिंग, जॉर्ज बटलर, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिवस्ट्रॉन्ग, डेविड मिलान, एमल मिल्स, आदिल रशीद, जैसन राय, डेविड मिले, क्रिस वोक्स एंड मार्गुड, एक्सीलेंट जो है इनका भी स्क्वाड बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड लॉन्च। अच्छा ये जो स्क्वाड है, मैं आपको बीच में ट्रैक कर रहा हूँ, जो आदिल रशीद के साथ दोबारा हुई, आपको पता यूएई किस तरह के विकेट वेकेट है, तो इन्होंने वही मतलब के कोई चेंज नहीं की बॉलिंग वगैरह में आपके, एक्चुअली उनका स्क्वाड जो है मैं समझता हूँ उन्होंने उनका स्टार्ट ही उनका स्टाइल ही कैसा है कि उन्होंने दो अपॉर्चुनिटी देखी हुई है, मोइन अली को एज ऑलराउंडर लेते हैं तो 3 से 4 ओवर विकेट देखेंगे, 4 ओवर जो है वो आदिल रशीद करेगा, तो 8 ओवर के ये बन जाते हैं, और आदिल रशीद और मोइन अली जो है वो कंसिस्टेंट बॉलिंग करते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। बाकी उनके पास 3 से 4 बॉलर्स का वैसे उन्होंने किया हुआ है अरेंजमेंट, तो वो अपना बॉलिंग के साथ आ रहे हैं, बैटिंग उनकी स्ट्रांग है, जॉनी ब्रेस्टो, इसके अलावा आप देख लें जॉर्ज बटलर, इयन मॉर्गन, आई मीन बहुत बड़े नाम है, जैसन राय, तो उनकी भी टीम खत्म नहीं होती, वो भी स्पेशलिस्ट के साथ ही जा रहे हैं, हमारे तरह नहीं है कि आसिफ अली और खुशदील शाह, आई मीन के हारिस रऊफ, तो इस तरह के नाम नहीं है उनके पास, उनके पास एक्चुअल नाम है जो कि रेयरली परफॉर्म करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड भी जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वर्ल्ड कप के जीत के लिए। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का स्क्वाड है, लेकिन उनके में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ना फाफ डु प्लेसी है ना ही तुमरान ताहिर है, तो उनके स्क्वाड में मेरा नहीं ख्याल से कोई इतना वो था, वो सिंपल वही जो यूजुअली करते आ रहे हैं खेलते आ रहे हैं, तो वही स्क्वाड है। तो बांग्लादेश का स्क्वाड भी ठीक ही है, नॉर्मली है, वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, स्पिन के और मिक्स के। देखने वाली बात ये थी कि इंडिया और इंग्लैंड का जो स्क्वाड है, अब जो फर्दर जो स्क्वाड है वो वेस्ट इंडीज जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है वर्ल्ड कप के दावेदार के लिए, वो जब टीम अपनी स्क्वाड लॉन्च करेगी तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को रीथिंक करना चाहिए पॉलिसीज को, और 10 अक्टूबर से पहले पीसीबी के जो सिलेक्टर हैं उनको भी वर्कआउट करना चाहिए, और 10 अक्टूबर से पहले कोई चेंज कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में 4 चेंज बनते हैं, 4 से 5 चेंज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हारिस को उठाना है आपने, अमर को लेके आना है, इसके अलावा स्नैल को उठाए आप, इसके अलावा वहाब रियाज को अंदर करें आप, देखिए बॉलिंग आपकी अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा जो बैटिंग में आप बात कर लेते हैं, तो शकील खान, फखर जमान को लेके आप आए, खुशदील शाह उसकी छुट्टी करें आप, इसकी जो है अपना आसिफ अली की फर्क करें इनको, इसके अलावा जो है आजम खान की जगह सरफराज की जरूरत है, क्योंकि वो लास्ट जो हमारी ICC का इवेंट जीते थे हम चैंपियन ट्रॉफी, तो सरफराज की कप्तानी से जीते थे, तो हमें उनकी कप्तानी से और उनकी जो एक्सपीरियंसेस से बेनिफिट लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल 4 से 5 चेंज करें तो टीम बाकी परफेक्ट बन जाती है, और सिलेक्शन में भी आपको मजा आएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि बल्कि आप शिजाफ खान को बिठाएं, जो वाइस कप्तान है हमारे पाकिस्तान है कप्तान, जिसको मर्जी उठाए बना दें, तो कल वो आएगा शायद, कल न्यूज आए तो आप आसिफ अली कप्तान नहीं कर रहे हो, तो हमारी कप्तानियां हमारी सिलेक्शन इस तरह की है, मेरा ख्याल है शिजाफ खान को बिठाना चाहिए।
उसकी जगह जो है मेरी ओपिनियन जो है उसकी जगह मैं जो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा वो तो मेरा ख्याल है कि आपको जो अपने वाइफ को कान को उठाना चाहिए उसकी जगह उस्मान कादर को चौंक देना चाहिए, वो उनसे ज्यादा वैरायटी रखते हैं और उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि शताब खान में वो बिल्टी है कि वो उस तरह परफॉर्म करें। तो कुल मिला के बात यह है कि 10 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है कि हम इसको अपनी पॉलिसी को रिवाइज करें, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर हो जाती है टीम। उम्मीद है कि ये 4-5 अगर चेंजेस हो जाते हैं टीम में तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि वैसे वैसे भी पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना, मैं ये समझता हूँ अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान, जितनी भी क्रिकेट हम देखते हैं ये तो है अनप्रेडिक्टेबल टीम है। चलने पे तो हमारे हारे दोस्त साहब भी चल जाते हैं ना आए तो फिर देने पे आए तो 100 रन भी देते हैं चारों में। चलो पहले देखते हैं कि आगे क्या चेंजेस आते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।